हेलो गाइस, मायसेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जे ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। जैसा कि आपको पता है कि MBBS 2023 का हिंदी भाषी लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा लैंग्वेज लेके ये क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉलेज में हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो आपको लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी बात बैरियर नहीं आएगा, पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। तो अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, और कौन कौन कैंडिडेट कितने रजिस्ट्रेशन तक कर सकते हैं इसका सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। अगर दोस्तों हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो tnmedicalselection.net ये ऑफिशियल वेबसाइट है तमिलनाडु का, जहाँ पर आप देखोगे रिवाइज्ड राउंड वन का शेड्यूल आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहां पे देख सकते हो पहले रजिस्ट्रेशन जो था वो 25th तक था, लेकिन अभी आप 25th जुलाई से 3rd अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। जो पेमेंट है ऑन मैनेजमेंट कोटा के अभी बच्चा एडमिशन ले सकता है। आप यहां देख सकते हैं कि 107 से लेके 715 इतने मार्क्स वाले बच्चे नीट में एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। और आप अगर अदर स्टेट से हैं तो मैनेजमेंट कोटा के सीट को आप ले सकते हैं, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मैनेजमेंट कोटा में आपको पेमेंट जो करना होगा वो 1000 का रजिस्ट्रेशन का देना होगा, और सिक्योरिटी अमाउंट आपको यहां पे दिख रहा होगा 1,00,000 रुपीज का मैनेजमेंट कोटा के लिए सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करना है। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जो डेट शेड्यूल है, उसके बाद आपके एडमिशन हो जाएंगे। आप सभी बच्चे जो तमिलनाडु में एडमिशन लेना चाहते हैं और अदर स्टेट से हो और प्राइवेट में लेना चाहते हैं, तो लगभग 13-13.5 लाख रुपया पर ईयर का फीस आता है। 75-80 लाख का टोटल बजट आपका MBBS में जाएगा। सही सुने मेरे दोस्त, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तमिलनाडु में एडमिशन रिलेटेड तो आप हमारे एक्सपर्ट से दिए गए नंबर पर बात करके पूरा गाइडेंस ले सकते हैं। होप से वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।